हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, हिस्ट्री का, मीन्स की इतिहास का, समकालीन विश्व में शहर। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1750 से कैसे पूरे विश्व में शहरीकरण होने लगा था, शहरों का विकास होने लगा था, और ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो 1880 में दुर्गाचरण राय नाम के एक व्यक्ति ने एक उपन्यास लिखा था जिसका कि टाइटल था धरती पर देवता उतरे। इस उपन्यास में ब्रह्मा जो है कुछ देवताओं के साथ रेलगाड़ी में बैठ के क्या देखते हैं, कलकत्ता शहर को घूमते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स का जब राज्य था तो उस समय कलकत्ता जो था उनकी राजधानी थी, और जब वो कलकत्ता शहर को घूम रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, विशालकाय जहाज देखे, और गंगा के पानी में चलते हुए विशालकाय जहाज देखे, बड़े बड़े कारखाने देखे, उनमें चिमनियाँ लगी हुई थी, उनसे धुएं निकल रहे थे, बड़े बड़े पुल देखे, स्मारक देखे, और बहुत सारी चीज़ों से लदी हुई दुकानें देखी, और ये सब देखकर वो बहुत ही खुश हो गए। फिर क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें देख के वो बहुत ही खुश हुए, बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें देख के वो बहुत ही दुखी भी हुए, बहुत दुखी और परेशान भी हुए। वो क्या चीज़ें थी जो देख के वो बहुत दुखी और परेशान हुए, वो था चोर, ठग, भयानक गरीबी, लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, एक दूसरे को धोखेबाज बोलना, और छोटे छोटे डब्बे नुमा घरों को बना के उनमें रहना, ये सारी चीज़ें थी। बड़े हैं कि सारे दुकानदार एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे थे, सारे देवता जाति धर्म औरत मर्द के फर्क को देखकर बड़े परेशान होते थे, जो भेद अब तक कुदरती और सामान्य दिखाई देते थे वो टूटते हुए से दिखाई दे रहे थे। तो दुर्गाचरण राय जो थे 19वीं सदी में भारत के बहुत सारे लोग शहरों को देखकर हैरान भी होते थे और भ्रम में भी पड़ जाते थे। शहर का जीवन परस्पर विरोधी छवियों और अनुभवों को जन्म देता था, मीन्स कि शहर में जहाँ पे एक तरफ संपन्नता देखने को मिलती थी, वहीं पे गरीबी का महासागर भी देखने को मिलता था। एक तरफ चमक दमक थी तो दूसरी तरफ धूल धक्कड़ भी था। तो ये सारी चीज़ें देख के उन्हें, जो ब्रह्मा जी थे, उनको भी बहुत ही उदासी होती थी और निराशा होती थी। तो हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत लंबी रही है, और इनमें जो है आधुनिक शहर का उदय जो हुआ, और इसका इतिहास जो है 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, मीन्स कि शहरीकरण की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें शामिल थी। शहरों का बनना मतलब क्या, कि कारखानों का स्थापित होना, औद्योगिकरण का होना। ठीक है, दुनिया के बहुत बड़े भाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, तो इन सारी प्रक्रियाओं ने जो है क्या किया कि शहरों का निर्माण किया। ठीक है, शहर की विशेषताएं, यहाँ पे हम देखेंगे कि शहरों की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि एक तरफ शहरों और दूसरी तरफ गांव और कस्बों के बीच हम क्या फर्क देखते हैं। जो शुरुआती कस्बे थे, जैसे ऊर्णिपुर और मोहनजोदड़ो, जो शुरुआती कस्बे थे वो जो है नदी और घाटियों के आसपास विकसित हुए थे। ठीक है, और वे अपने समय की अन्य इंसानी बस्तियों या आबादियों से बड़े थे। प्राचीन शहर केवल तभी बस सकते थे जब बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया जा सके जो खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य काम करते हैं। राजनीतिक सत्ता, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार, उद्योग, धार्मिक संस्थान और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र आमतौर पर शहरी होते थे। शहरी इलाके कई तरह के हो सकते थे, कहीं समय समय पर लगने वाले बाजार होते हैं, तो कहीं अस्थाई बाजार होते थे, तो दूसरी ओर ऐसे छोटे कस्बे भी होते हैं जो बाजार के साथ साथ कानून, प्रशासन, धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। शहरों के आकार और जटिलता में भी बहुत फर्क होता है।
राजनीतिक प्राधिकरण का केंद्र प्रायः शहर ही होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों, धार्मिक अधिकारियों को भी प्रश्रय देते हैं। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं, जहां से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जा सकता है, जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। इस अध्याय में हम बात करेंगे आधुनिक विश्व में शहरीकरण कैसे हुआ, और उसके लिए हम लोग जो है देश दुनिया में सबसे आधुनिक शहर जो लंदन है उसकी स्टडी करेंगे, और भारत के शहर बम्बई की स्टडी करेंगे। तो इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का उदय, तो इंग्लैंड जो था पहले वो गांव जैसा ही था, लेकिन उसमें औद्योगिकरण मीन्स की व्यापार बहुत बड़ा, कल कारखाने लगने लगे और उसका आधुनिक शहर के रूप में किस तरह से वो बदल गया उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा असर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1850 के दशक तक भी, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद भी, ज़्यादातर पश्चिमी जो शहर थे मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के ही शहर थे, जो शहर थे ना वो भी ग्रामीण किस्म के ही थे। लीडर्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं सदी के आखिर में स्थापित किए गए। कपड़ा मिल जब खुली मीन्स कि कपड़ा के कारखाने जब खुले तो वो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे मजदूर आके रहने लगे। 1851 की बात है कि मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाकों से आए प्रवासी मजदूर थे। अब यहाँ पे हम लंदन की बात करेंगे। 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। यह एक महाकाय शहर था जिसकी आबादी 675,000 तक पहुँच चुकी थी। 19वीं शताब्दी में भी लंदन इसी तरह फैलता रहा। 1810 से 1880 के बीच 70 सालों में उसकी आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख, 4 गुना हो चुकी थी। ठीक है, पहले जो है लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वहाँ चुंबक की तरह खींचे चले आ रहे थे। स्टेडमैन जोन्स के शब्दों में 19वीं शताब्दी का लंदन क्लार्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों, कुशल और शारीरिक श्रम करने वालों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों, भिखारियों का शहर था। लंदन की गोदी के अलावा मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योग में बहुत सारे लोगों को काम मिला हुआ था। ये उद्योग जो थे कौन कौन से थे, परिधान के थे, कपड़ों के, जूता का उद्योग था, लकड़ी और फर्नीचर का उद्योग था, धातु एवं इंजीनियरिंग का उद्योग था, छपाई और स्टेशनरी का उद्योग था, शल्य चिकित्सा उपकरण व घड़ी जैसे माप वाले उत्पादों और कीमती धातुओं की चीज़ें बनाने वाले उद्योग थे। पहले विश्व युद्ध जो हुआ के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरण का भी उत्पादन होने लगा। विशाल कारखानों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट गईं। हाशिए के समूह, जैसे जैसे लंदन बढ़ा वहाँ अपराध भी बढ़ने लगे। 1870 के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। इस दौर की आपराधिक गतिविधियों के बारे में अब हम काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि उस समय अपराध व्यापक चिंता और बेचैनी का कारण बन चुके थे। पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित थे, परोपकारी समाज की नैतिकता को लेकर बेचैन थे। तो मीन्स कि जो शहर था ना वहाँ पे जैसे जैसे लंदन बढ़ता गया वैसे वैसे वहाँ पे चोर डाकू भी बढ़ते गए, और वो जो है लोगों से सामान छीन लेते थे। 19वीं सदी के मध्य में हेनरी मेयो ने लंदन के मजदूरों पर कई किताबें लिखी। उन्होंने इन अपराधियों की और अपराधों की सूची बनाई। अपराधियों की इस सूची में दर्ज हुए बहुत सारे लोग भी थे जो मकानों की छतों की शीशा चुरा लेते थे, दुकानों से खाने की चीज़ें उठा लेते थे, कोयले के ढेर उठा ले जाते थे या बाड़ों पर सूखे कपड़े उठा ले जाते थे। दूसरी ओर ऐसे अपराधी भी थे जो अपने धंधे में माहिर थे, जिन्हें अपराधों की पूरी सफाई से अंजाम देना अच्छी तरह से आता था। लंदन की सड़कों पर ठगों और जालसाजों, जेब कतरों, छोटे मोटे चोरों की भरमार रहती थी। जनता को अनुशासित करने के लिए शासन ने अपराधों के लिए भारी सजाएं तय कर दी थी। जो लायक गरीब थे उन्हें रोजगार देने का इंतजाम शुरू किया। घर पर ही रहकर सिलाई बुनाई, कपड़े धोने या माचिस बनाने जैसे काम करती थी। 20वीं सदी में हालात एक बार फिर बदले।
जब औरतों को युद्धकालीन उद्योग और दफ्तरों में काम मिलने लगा तो वे घरेलू काम छोड़कर फिर बाहर आने लगी। बहुत सारे बच्चों को भी मामूली वेतन के लिए कामों पर भेजा जाने लगा। बहुधा उनके माँ बाप ही उन्हें काम पर भेजते थे। 1880 के दशक में द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक लिखने वाले पादरी एंड्रयू मेयर्स ने इस बात पर रोशनी डाली कि लंदन के अल्प वेतन कारखानों में मजदूरी करने के बजाय अपराध ही ज्यादा फायदेमंद क्यों है। माना जाता है कि 7 साल का एक बच्चा चोरी चकारी करके हर हफ्ते आराम से 10 शिलिंग 6 पेंस कमा लेता है। अगर इसी उम्र का कोई लड़का है, उस चोरी के बराबर कमाना चाहे तो उसके लिए उसे हफ्तों में माचिस के 56 डिब्बे बनाने होंगे। मीन्स कि उनको ऐसा लगता था कि बिना मेहनत के हम ज़्यादा कमा लेते हैं। आवास, औद्योगिक क्रांति के बाद लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख करने लगे तो लंदन जैसे पुराने शहर नाटकीय रूप से बदलने लगे। फैक्ट्री या वर्कशॉप मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह नहीं देते थे। फलस्वरूप जिनके पास जमीन थी ऐसे अन्य लोग की बनने लगे थे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि यूँ तो गांव में भी गरीबी खूब थी लेकिन शहरों में तो बहुत घनी और साफ दिखाई पड़ती थी। 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ ने लंदन के ईस्ट एंड पूर्वी छोर में लंदन के अल्प कुशल मजदूरों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि लंदन के कम से कम 10 लाख लोग बहुत ही गरीब हैं और उनकी औसत उम्र 29 साल से ज़्यादा नहीं है। बुद्ध ने पाया कि इन मजदूरों के किसी वर्कशॉप अस्पताल पागल खाने में मरने की संभावना ज़्यादा है। उन्होंने अपने सर्वेक्षण में निष्कर्ष ने लंदन को अपनी निर्धनतम नागरिकों को बसाने के लिए कम से कम 4 लाख कमरे और बनाने होंगे। कुछ समय तक शहरों के खाते पीते बसिंदे यहाँ मांग करते रहे कि झोपड़पट्टियों को साफ कर दिया जाना चाहिए। धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे कि शहर के गरीबों के लिए भी आवास का इंतजाम करना जरूरी है। इस बढ़ती चिंता के क्या कारण थे? पहली बात तो यही थी कि गरीबों के एक कमरे वाले मकानों को जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने लगा था। इन मकानों में भीड़ रहती थी, वहाँ हवा निकासी का इंतजाम नहीं था, साफ सफाई की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, खस्ता हाल मकानों के कारण आग लगने का खतरा बना रहता था। तीसरा, इस विशाल जन समूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका दिखाई देने लगी थी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद यह डर काफी बढ़ गया था। लंदन के गरीब कहीं विद्रोह न कर डाले, इस आशंका से निपटने के लिए मजदूर के लिए आवासीय शुरू की गई। लंदन की सफाई, लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। भीड़ भरी बस्तियों भीड़ कम करने, खुले स्थानों का हरा भरा बनाने और आबादी कम करने और शहरों को योजना अनुसार बसाने की कोशिशें शुरू कर दी गई थी। इसी तरह की आवासीय समस्याओं को से जूझ रहे बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तर्ज पर अपार्टमेंट्स के विशाल ब्लॉक बनाए गए, लेकिन टेनमेंट्स की वजह से यहाँ की समस्याएं विकट थी। मकान की भारी किल्लत के असर अब करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया। 19वीं सदी के औद्योगिक शहरों में घुटने भरे भीड़ भड़के ने देहाती साफ हवा की इंतजाम की बात उठने लगी। लंदन के इर्द गिर्द हरित पट्टी आदि विकसित करके देहात और शहर के फासले को पाटने का भी प्रयास किया गया। वस्तुकार और योजनाकार एबेनेजर हवर्ड ने गार्डन सिटी बागीचों का शहर की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने एक ऐसे शहर का खाका खींचा जहाँ पेड़ पौधों की भरमार हो और जहाँ लोग रहते भी हों, काम भी करते हों। उनका मानना था कि इस प्रकार बेहतर नागरिक तैयार करने में भी मदद मिलेगी। हार्वर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड ऑनवीन और बैरी पार्कर ने न्यू आजीविका नाम के एक गार्डन सिटी का डिजाइन तैयार किया, इसमें साझा बाग बगीचे खूबसूरत नजारों का इंतजाम किया गया था। हर चीज को बड़ी बारीकी से सजाया गया था, लेकिन ऐसे मकानों को तो केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे।
विश्व युद्ध जो हुआ था उस दौरान 1919 से 1939 के बीच मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश राज ने अपने ऊपर ले लिया। स्थानीय शासन के जरिए 10 लाख मकान बनाए गए। इनमें से ज़्यादा तर एक परिवार के रहने लायक छोटे मकान थे। इस दौरान शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं जा सकते थे। शहर के यानी उपशहरी बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन बस्तियां अनिवार्य हो चुकी थी। शहर में आगमन अगर लोगों को उपनगरीय बस्तियों से शहर तक लाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं है तो भला लोगों को शहर छोड़कर उपनगरीय गार्डन आबादियों में जाकर रहने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था। लंदन के भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया था। इसके जरिए भारी संख्या में लोग शहर के भीतर बाहर आ जा सकते थे। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। यह लाइन लंदन की पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले ही दिन यात्रियों ने इस रेल में यात्रा की। इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली गाड़ी आ रही थी। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था। लोग यात्रा करने लगे थे। शुरू से भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डर जाते थे। इस बारे में अखबार मैं जिस डिब्बे में बैठा था वह पाइप पीते मुसाफिरों से भरा हुआ था। डिब्बे का माहौल सल्फर कोयले की धूल और ऊपर लगे गैस के लैंप से निकलती गंध से अटा हुआ था। हालात ये था कि जब हम मुरगेट स्टेशन पहुंचे तब तक मैं श्वसन रोधी और गर्मी के कारण अधमरा हो चुका था। मेरा मानना है कि इन भूमिगत रेलगाड़ियों को फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इन लौह दैत्यों ने शहर की अफरा तफरी और अव्यवस्थित माहौल को और बढ़ा दिया है। निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले बेहिसाब विनाश के बारे में चार्ल्स डिकेंस ने डॉम्बी एंड सन्स में लिखा। मकान गिरा दिए गए, सड़कों को तोड़ कर बंद कर दिया गया, जमीन में गहरे गड्ढे और खाइयां खोद दी गई, चारों तरफ बेहिसाब मिट्टी और धूल के अंबार लगा दिए गए, अधूरेपन 100,000 शक्लें और पदार्थ सामने थे, उलट पुलट अपनी जगह अदल बदल जमीन में धंसे हुए। तकरीबन दो मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए औसतन 900 घर गिरा दिए जाते थे। इस प्रकार लंदन में बने ट्यूब रेलवे के कारण लंदन के गरीबी बों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया, खास तौर से दो विश्व युद्ध के बीच। बहरहाल इन सारी अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे एक जबरदस्त कामयाबी साबित हुई। 20वीं सदी आते आते न्यूयॉर्क, टोक्यो और शिकागो ज़्यादातर विशाल महानगर अपने सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के बिना नहीं रह सकते थे। नतीजा यह हुआ कि शहर की आबादी और बिखरने लगे। सुनियोजित उपनगरीय इलाकों, अच्छे रेलवे नेटवर्क और बहुत सारे लोगों के लिए मध्य लंदन से बाहर रहते हुए रोज काम पर आना जाना आसान हो गया। इस नई सुविधा ने सामाजिक ऊंच नीच को कमजोर किया तो नए किस्म के विभेद भी पैदा कर दिए। इन बदलावों से लोगों के घरेलू सार्वजनिक जीवन पर क्या असर पड़ा उसको हम देखते हैं। शहर में सामाजिक बदलाव भी होने लगे। शहर में मर्द और औरतों और परिवार भी विकसित होने लगे थे। मनोरंजन और उपभोग अमीर ब्रिटेन वासियों के लिए बहुत पहले से ही लंदन सीजन की परंपरा चली आ रही थी। सदी के आखिरी दशक में धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी मन बहलाव के तरीके निकलने लगे। इनमें से कुछ सरकारी पैसे से शुरू किए गए थे। 19वीं सदी में लोगों को इतिहास का बोध देने के लिए, ट्रेनिंग उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए बहुत सारे पुस्तकालय, कला दीर्घालय, संग्रहालय खोले जाने लगे। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में आने वालों तादाद सिर्फ 15,000 थे। शहर में राजनीति 1886 में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सर्दियों के दिनों में चार दीवारी के बाहर काम करना असंभव हो गया था। लंदन के गरीब दंगों पर उतारू हो गए। उनकी मांग थी कि उन्हें भयानक गरीबी से आज़ादी दिलाई जाए। डेप्ट
स्टेपफोर्ड से लंदन की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। 10,000 लोगों की भीड़ से भयभीत दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जुलूसों को पुलिस बुलाई गई। इस तरह का दंगा 2 साल बाद लंदन के हजारों गोदी कामगारों ने हड़ताल कर दी और शहर भर में जुलूस निकाले। एक लेखक के अनुसार हजारों हड़ताली शहर भर में जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन न तो किसी की जेब कटी न कोई खिड़की टूटी। कौन सा ये बताओ जा बनवा क्योंकि पुरानी आज नहीं मिल रही ना और हमें मंजा भी खरीदता है।